दोस्तों अभी हम हैं भोपाल में, 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर है। वहाँ पे हमें मिले एक भैया राजस्थानी रबड़ी मावा बाटी वाले। तो उनके यहाँ जो आइटम अगर आप देखेंगे तो जानेंगे कि सादी मावा बाटी है, रबड़ी की कटोरी है और साथ में मिल जाएगी आपको मावा बाटी रबड़ी के साथ। कैसे आइटम है हम जानेंगे भैया से। जैसे ही आप स्टॉल पे आएंगे तो आपको दो तरह के गुलाब जामुन देखने के लिए मिलेंगे। एक गुलाब जामुन थोड़ा लाइट सिका हुआ है और एक गुलाब जामुन है वो थोड़ा सा डार्क सिका हुआ है। तो भैया से जानेंगे कि डार्क गुलाब जामुन ये बनाया है उन्होंने किसके लिए बनाया है और लाइट वाला किसके लिए बनाया है। और अगर साथ में होती है इनके रबड़ी होती है तो ये रबड़ी में अच्छी नहीं होती, इस वाली में मावा स्टाइल होती है। ये कैसे हैं? बढ़िया भैया। बढ़िया, कहाँ से भैया आप? राजस्थान से। राजस्थान से कौन से शहर से? राजस्थान हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो भैया क्या आइटम है ये? ये मावा बाटी है। ये मावा बाटी है। ये काले जामुन है। ये काला जामुन है। तो इनमें अंतर क्या होता है दोनों में? ये थोड़ा ज्यादा सीखा रहता है, ये कम सीखा रहता है। मटेरियल दोनों का सेम होता है? सेम होता है। और टेस्ट अंतर आता होगा? टेस्ट अंतर आता है, ये थोड़ा मतलब मीठा कम रहता है। अच्छा, ये मीठा कम रहता है, इसमें थोड़ा मीठा ज्यादा अच्छा होता है। क्या प्राइस क्या होता है भैया? ये सादा 15 का है, रबड़ी के साथ 25 का है। ये भी वही रेट है, सादा 15 का, रबड़ी के साथ 25। रबड़ी के साथ 25। और रबड़ी की कटोरी साथ में अलग से रहती है? अलग रहती है। किस आइटम के बनाते हैं गुलाब जामुन? ये मावा का बना होता है। ये खोए का ही बना होता है, मावा का रहता है। मावा का। अच्छा, तो एक मावा बाटी हमारे लिए लगा। ये लाइट वाली लगाना, हमें डार्क थोड़ी कम पसंद है। एक बार दिखाना कैसे बनाते हैं। ये रहता है, क्या बात है। और इसमें जाती है रबड़ी, और साथ में क्या डाला भैया? बस केवल रबड़ी। इसका टेस्ट तो बहुत ही मजेदार आने वाला है भाई। जी सर। क्योंकि आपने गुलाब जामुन तो रूखा बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम खाने वाले हैं रबड़ी के साथ। तो भैया आपने अभी गुलाब जामुन खाया, इनका रबड़ी वाला मावा बाटी खाई, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा और काफी टाइम से मैं आ रहा हूँ खाने यहाँ पर। तो जी हमारी रबड़ी मावा बाटी आ गई है और ये है सिर्फ 25 रुपए की। यहाँ पे जो टेस्ट मिलने वाला है वो आपको काफी डिफरेंट मिलने वाला है। मावा बाटी आपने खूब खाई होगी, रबड़ी खूब खाई होगी, लेकिन रबड़ी के साथ मावा बाटी वो कहाँ मिलेगी आपको? 6 नंबर होकर कॉर्नर पे भोपाल में। तो टेस्ट करते भाई है कैसे इनकी। अरे टूट जा भाई, टूट जा। करते हैं टेस्ट। भाई साहब मजा आ गया, फुल पैसा वसूल आइटम है क्या भैया? देसी की होती है क्या? हाँ बिल्कुल, प्योर देसी का स्वाद आ रहा है। और जब तक मावा बाटी गुलाब जामुन देसी का नहीं हो तो यार स्वाद आता ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पहले मैं एक बाइट और लूंगा। तेरी बहुत बड़ी रखेगा। एक नंबर टेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भोपाल में रहते हैं या भोपाल आ रहे हैं तो 6 नंबर होकर कॉर्नर में आके आप इनके यहाँ की मावा बाटी रबड़ी वाली जरूर ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कराएं। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।